स्वतंत्रता दिवस के पुनीत अवसर पर शहर में साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी प्रभावकारी दौर चला। इस क्रम में भागलपुर शहर के भगवान पुस्तकालय के सभागार में बगुला मंच के बैनर तले एक भव्य कवि सम्मेलन आयोजित किया गया। कवि सम्मेलन की अध्यक्षता बैंककार राम प्रकाश सनेहिल ने की और संचालन मंच के महासचिव धीरज पंडित ने किया। कार्यक्रम का आगाज गीतकार राजकुमार के दीप गान से हुआ। पंक्ति थी, आओ दीप जलाएं। इसके बाद तो राष्ट्रीय परक कविताओं एवं गीत गजलों की झड़ी लग गई। इस क्रम में महेंद्र मैंग की कविता हमारा प्यारा हिंदुस्तान, हमारे प्यारे वीर जवान को स्वर देकर देश की एकता और अस्मिता के लिए मर मिटने वाले अमर शहीदों को याद किया गया। इसी क्रम में नकुल निराला ने अपनी अंगिका कविता को खाय लेली तरसे छे, को खाय पीबी का छय मस्त कि यह छे के 15 अगस्त। कवि सम्मेलन में डॉक्टर प्रेमचंद पांडे, रामा अवतार राही, बाबा दिनेश तपन, प्रोफेसर केशव यादव, पारस कुंज, एकराम हुसैन साद, अनवर भागलपुरी, डॉक्टर कृष्ण कुमार मंडल, जगदीश यादव और कृष्ण मोहन किसले समेत 1.5 दर्जन से अधिक कवियों ने अपनी रचनाओं का पाठ कर माहौल को रसमय कर दिया। वहीं दूसरी ओर भारत माता समिति की ओर से खंजरपुर चौक पर भी कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कवि सम्मेलन में पारस कुंज के अलावा संजय भागलपुरी, प्रोफेसर नवीन निकुंज, महेंद्र प्रसाद निशाकर और उमाकांत अंशुमाली ने अपनी देशभक्ति गीतों का पाठ कर श्रोताओं के मन मस्तिष्क में उबाल ला दिया। कार्यक्रम का संचालन संजय कुमार भागलपुरी ने किया। शनमार्ग के लिए भागलपुर से अभय कुमार भारती की रिपोर्ट।